ऑल राइट तो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट काफी मेजर तरीके से कंप्लीट हो गया था। एक बारी फटाफट से इस टेबल के थ्रू ही रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या किया था। आइए इधर देखिए, एक बुक दे दीजिएगा मुझे। दीजिएगा, आज ज़्यादा खुश हो रखे हैं आप, काफ़ी दिनों बाद आए ना, लोगों को देख रहे हैं। अच्छा, घर से बाहर निकलने को मिल रहा है, काफ़ी दिनों बाद लग रहा है। क्या क्या आप अपनी बुक क्यों दे दी उनको? अच्छा, तो ऐसा मतलब कि ये आपकी बुक है, उनकी बुक है? तो आप ये कह रहे हैं कि काजल आपके बिहाफ पे पढ़ लें और आपके बिहाफ पे बुक में लिख लें? चलो, बाकियों का तो पता नहीं, इसके अंदर तो एटलीस्ट इतना कवरेज है कि आपका क्लियर हो जाना चाहिए। आइए, तो लास्ट क्लास के अंदर बच्चों हमने स्टार्ट किया था फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसके अंदर से दो मेजर फॉर्म्स ऑफ मार्केट हम कंप्लीट कर चुके हैं बहुत डिटेल के अंदर। पहला था परफेक्ट कंपटीशन और एक था मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एग्जांपल क्या था बच्चों? स्टॉक मार्केट्स का। ये रफ एग्जांपल है, 100% करेक्ट एग्जांपल नहीं है इसका। और मोनोपोली के अंदर आप दिमाग में रेलवेज का एग्जाम्पल रख सकते हैं। बायर्स एंड सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यहाँ पे सिंगल सेलर होता है। प्रोडक्ट परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होमोजीनियस, दैट इज परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स, और यहाँ पे नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट यहाँ पे होती है, यहाँ पे नहीं होती है। मार्केट शेयर इनमें इनसिग्निफिकेंट होता है, यहाँ पे मार्केट पावर ही इनके पास थी। फर्म्स जो होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं, जबकि मोनोपोली में प्राइस मेकर होते हैं। डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और यहाँ पे लेस इलास्टिक, डाउनवर्ड स्लोपिंग लेस देन वन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। लॉन्ग रन के अंदर हमेशा क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस तीनों हो सकते हैं, जबकि आपका केस सिर्फ सुपर प्रॉफिट डिस्कस किया है। इसके पीछे का कारण क्या है? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। क्या यहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी होती है बच्चों? नहीं, फुल कैपेसिटी पे काम चलता है लॉन्ग रन के अंदर, और यहाँ पे लेस देन फुल कैपेसिटी पे काम चल रहा होता है इन द लॉन्ग रन। ए आर एम आर कर्व कैसे होते हैं? ए आर इज इक्वल टू एम आर, और यहाँ पे एम आर इज लेस देन ए आर, मतलब एम आर नीचे की तरफ, ए आर ऊपर की तरफ बनेगा। इस तरीके से लास्ट क्लास के अंदर हमने पूरी डिटेल में बातें कर ली थी, और भी हमने कई सारे टॉपिक्स को डिटेल में लेकर गए थे इसी उसके अंदर क्लास में। अभी हम फोकस करने जा रहे हैं बच्चों मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की तरफ। दिमाग में किस चीज का एग्जांपल रखना है इसके अंदर? नालायकों वाली बात है भाई, एग्जाम्पल ही नहीं याद है। टेलीकॉम कहाँ से आ गए? टेलीकॉम तो ओलिगोपोली का ज़्यादा बेटर एग्जाम्पल होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अब बच्चों मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर दोनों के फीचर्स आ जाते हैं, मोनोपोली के भी और एक कॉम्पिटिटिव फीचर भी आता है। ये कौन है? लक्षिता गोयल, क्लास 12E, रोल नंबर 15th। क्या हाल है लक्षिता आपके? सर बढ़िया। बढ़िया है, ये आपका मुझे लग रहा है कि 12th का आईडी से आपने लॉगिन कर लिया है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है ना बचपन की। ऐसे ही बुलाते थे टीचर स्कूल वाले, लक्षिता गोयल, क्लास 12E, 15th रोल नंबर। उनको पता रहता था कि क्लास में कौन है। हाँ नहीं, वो तो मैं समझ गया, वो तो मैं समझ गया। चलो, तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर क्या होता है बच्चों? मोनोपोली के भी कुछ फीचर्स आ जाते हैं और कॉम्पिटिटिव फीचर्स भी आ जाते हैं। जैसे टूथपेस्ट का एग्जाम्पल आप अपने दिमाग में रखिए। अब टूथपेस्ट के अंदर कई सारी कंपनीज हैं, सोप के अंदर कई सारी कंपनीज हैं। जैसे टूथपेस्ट का एग्जाम्पल अगर लें, कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, पेप्सोडेंट स्पेलिंग गलत हो गई ना, क्लोजअप हो गया, और कौन सा है, दंत कांति, और एक वो डाबर का भी तो आता है ना, डाबर का वो कौन सा आता है? रेड रेड पेस्ट, रेड पेस्ट ही नाम है। हाँ सर, वो तो ब्रांड नेम तो समझ गया, रेड पेस्ट। क्या बात, अब ऐसे ऐसे चलो जो भी है।
तो रेड पेस्ट हो गया, ठीक है। अब उसी हिसाब से और भी कई सारे प्रोडक्ट्स के आप नाम लेकर आ सकते हैं, बहुत सारे होते हैं टूथपेस्ट इंडस्ट्रीज में। हाँ, वो फिर लिस्ट है। सोप की बात करें, इसी तरीके से साबुन भी है। तो समझ गए, समझ गए, मैं समझ गया कौन सा बच्चा कौन सा यूज़ करता है। मैंने उसका लिस्ट नहीं मांगा। एनीवेज, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जब टूथपेस्ट की बात कर रहे हैं, आप देखिए आपस में एक दूसरे के कंपटीशन है, सभी एक दूसरे के कंपीट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। अब जैसे दंत कांति है, ये पतंजलि का हो गया, ये अपने गुण बताते रहते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं कि वो पहाड़ों में गए पत्ते पत्ते तोड़ के ला रहे हैं। कोलगेट के अंदर अपने फीचर्स हैं, पेप्सोडेंट में अपने हैं। तो इस तरीके से अपने अपने फीचर्स के ऊपर जो उनका एक कंट्रोल होता है उसको प्रमोट करने की वो कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक मोनोपोलिस्टिक फीचर भी होता है। मोनोपोलिस्टिक का मतलब कुछ ऐसे फीचर्स जो आपके पास हैं, जिसके ऊपर आपका एक तरीके से, ऐसे समझ लीजिए आपने मार्केट में उसको फॉरवर्ड रखा हुआ है, और एक कॉम्पिटिशन भी है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स भी होते हैं एक दूसरे के, बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, कुछ मोनोपोली कंट्रोल भी होता है। इसी मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल की वजह से आपका प्राइस अलग अलग होता है हर चीज़ का, जो आपका डिफरेंट फीचर हो गया, ब्रांड की वजह से, पैकिंग की वजह से, क्वालिटी की वजह से आप अलग अलग प्राइस चार्ज कर पाते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। ऑब्वियस ही बात है, एक सेंसिबल रेंज होती है, ऐसा नहीं है मोनोपोली की तरह कुछ भी प्राइस चार्ज कर लीजिए, एक सेंसिबल रेंज होती है। जैसे मान लीजिए अगर साबुन है, तो साबुन का दिमाग में सोचते ही यही आएगा ना, 10 से लेके 50 तक का मैक्सिमम, या 70 रुपये तक का। अब कोई 500 रुपये का साबुन बेचेगा, कौन खरीदेगा, समझ रहे हो। तो एक सेंसिबल रेंज के बीच में ये फ्लक्चुएट करता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना मोनोपोली है, कितना मार्केट में शेयर है। इसका शेयर एज कम्पेयर टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है। तो ऐसा समझ लीजिए ये मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन जो है, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है, ये कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में लाई करता है। दोनों के फीचर्स को कंबाइन कर दिया जाए तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बन जाता है। एग्जांपल क्या बैठ गया इसका, टूथपेस्ट इंडस्ट्री या फिर सोप इंडस्ट्री, ठीक है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो आइए इसको साथ साथ में पढ़ते हैं। इसके अंदर मुझे नहीं लगता ज़्यादा लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आप दोनों को पढ़ चुके हैं, तो उसी का कॉम्बिनेशन के फीचर्स यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको। द एसेंशियल फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज द एग्जिस्टेंस ऑफ, फीचर नंबर वन क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। अच्छा, नीचे लिखे हुए हैं लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स मतलब बहुत सारे बेचने वाले हैं, साबुन बेचने वाले बहुत सारे बैठे हुए हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है व्हाट इज मेंट बाय प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, प्रोडक्ट्स आर सब्स्टिट्यूट्स, प्रोडक्ट्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। तो यहां पे कैसे सब्स्टिट्यूट होते हैं बच्चों, क्लोज सब्स्टिट्यूट बोल सकते हो आप। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ कि आपका प्रोडक्ट दूसरे से डिफरेंट कैसे है, आपका प्रोडक्ट दूसरे से डिफरेंट कैसे है। डिफरेंशिएशन यानी कि डिफरेंस में भी ड्यू टू, आप लिख सकते हैं साथ साथ में, डिफरेंस में भी ड्यू टू ब्रांड, पैकिंग, ब्रांड हो गया, पैकिंग एक्सेट्रा, ठीक है ना, ब्रांड पैकिंग एक्सेट्रा, इसकी वजह से डिफरेंट होता है ये। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट भी नहीं होता, क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, ठीक है ना। कल को अखिल अपना एक साबुन बनाना चाहे, अखिल साबुन, तो क्या वो बना सकते हैं? बिल्कुल बना के बेच सकते हैं, सही बात है ना। अखिल अखिल अपना टूथपेस्ट बना के बेचना चाहे। अच्छा, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट की वजह से लॉन्ग रन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। इस चीज़ को हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था कि अगर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होता है तो लॉन्ग रन के अंदर हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ऐसा हमने कौन से मार्केट में देखा था? परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर। अभी जब मैं कंपैरेटिव फॉर्मेट पूरा कंप्लीट करवाऊंगा तो इस चीज़ को वहाँ पे दिखाऊंगा दोबारा से। नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन, ये प्राइस कॉम्पिटिशन नहीं करते, ये प्राइस कॉम्पिटिशन नहीं करते,
बिकॉज इट विल लीड टू प्राइस वॉर। लिख लीजिए साथ साथ में बच्चों इसको। पूनम थोड़ा सा हाथ चला लो, इसका कोई और फीचर्स तो नहीं रहेगा? नहीं, प्राइस लीडरशिप ये तो यहाँ पे है ना, ठीक है। नॉन प्राइस कंपटीशन। अच्छा, प्राइस कंपटीशन का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए दो साबुन है, लक्स का साबुन और डव का, ये दोनों का, ये 20 रुपये का है, ये 19 रुपये का कर दिया, ये 18 रुपये का, ये 17, आपस में कम्पीट कर रहे हैं, ये प्राइस के बेसिस पे कम्पीट नहीं करते। नॉन प्राइस के बेसिस पे कम्पीट करते हैं। नॉन प्राइस का मतलब क्या हो गया? एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे, पैकिंग के बेसिस पे, उसके अंदर जो फीचर्स ऑफर कर रहे हैं उन सब के बेसिस पे कम्पीट ज़्यादा करते हैं। समझ पा रहे हैं ये चीज़? एडवर्टीजमेंट पे बड़ा कंपटीशन होता है इनका, तो नॉन प्राइस कंपटीशन, अदरवाइज इट विल लीड टू प्राइस वॉर। क्या ये पॉइंट समझ में आए? फीचर्स, मेन मेन फीचर्स सारे इसके अंदर से, ये वाला फीचर अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा ढंग से। ठीक है, अब इसकी वजह से देखिए, अगेन एक एक करके इसको रिकॉल करें। ये वाला डायग्राम ऑलरेडी हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, कौन से में, मोनोपोली में पढ़ा था, बट फिर भी इसको एक बार रिकॉल करते हैं। आराम आराम से अब सुनने पे ध्यान दीजिएगा, कॉपी करने की जल्दी नहीं है, ख़त्म ही होने वाला है बस इकोनॉमिक्स। सबसे पहले तो बच्चों ये चीज़ सोच के मुझे बताएं, शॉर्ट रन के अंदर आपका मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन जो है इसके अंदर सुपर प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तीनों सिचुएशन बैठ सकती है ना, तीनों सिचुएशन बैठ सकती हैं। अच्छा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें यहां पे बनाना होता है एआर एमआर कर्व। यानी कि यहां पे देखेंगे, मैं आपको फीचर सारे के सारे रिकॉल करवाऊंगा। अब आपका वो स्टेज है, तीसरी बारी रिविजन में, तीसरी बारी हम रिवाइज करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर। तो अब आपका ऐसा स्टेज होना चाहिए कि आपको ये पढ़ते ही थोड़ा सा दिमाग में रिकॉल होना चाहिए कैसे फीचर्स थे। पहली बात, इम्परफेक्ट कंपटीशन है, तो एआर को हम प्राइस कर्व इज इक्वल टू डिमांड कर्व हमेशा बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप इन दोनों के फीचर्स की बात करेंगे तो पहला, एआर इज ऑलवेज पॉजिटिव, एमआर कैन बी पॉजिटिव, जीरो नेगेटिव। दूसरा फीचर, बोथ आर नेगेटिवली स्लोप, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। और तीसरा रिलेशनशिप क्या था बच्चों दोनों के बीच में? एमआर फॉल्स ट्वाइस द रेट ऑफ एआर। इसी की एक और वर्डिंग क्या हो सकती है? एमआर हमेशा एआर के नीचे होगा, या फिर एमआर जो है वो एआर और वाई एक्सिस को दो इक्वल हाफ्स में कट करेगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इसका स्लोप ट्वाइस होगा एज कंपेयर टू एआर। तो कोई भी वर्डिंग्स आपको पूछी जा सकती है। क्या ये याद आया, रिलेशनशिप बिटवीन एआर एमआर? फिर दूसरा आता है यहाँ पे प्रिंसिपल नंबर टू। प्रिंसिपल नंबर टू क्या था बच्चों? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। यहाँ पे दो कंडीशन थी, पहला एम सी इज इक्वल टू एम आर, और दूसरा एम सी शुड बी ग्रेटर देन एम आर आफ्टर दे आर इक्वल। याद आ रहा है कुछ? तो इसको देखते हुए हमने कौन सा कर्व बनाया बच्चों? यहाँ पे हमने कर्व बनाया एम सी कर्व। तो ये इस तरीके से एम सी कर्व आया। याद आ रहा है कुछ? तो एम सी कर्व बनाने के बाद हमें ये पता लग गया कि ये है हमारा आउटपुट, जो कि प्रिंसिपल नंबर टू डिफाइन कर रहा है। कि प्रिंसिपल नंबर टू कह रहा है इतना आउटपुट बनाओगे तो आपका बेस्ट पोजीशन पे रहेंगे आप। हमारी क्लास में दो लक्षिता गोयल हैं क्या? एक और लक्षिता गोयल आई है? नहीं सर, एक ही है वो। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, म्यूट कर लीजिए, मैं समझ गया हूँ आपकी वॉइस एको कर रही है। तो प्रिंसिपल नंबर टू यहाँ पे फुलफिल करने के बाद आपका कौन सा लेवल ऑफ आउटपुट ये बताएगा, प्रोड्यूसर मैक्सिमम बेनिफिट कब उठाता है, वो चीज़ की बात चल रही है। अच्छा, ये वाला डायग्राम आपको क्या दिखा रहा है? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट का डायग्राम आपको कैसे पता लगेगा? तीसरा पॉइंट देख के, ए सी कर्व बना के। ए सी मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व बना के हमें पता लगता है कि हमारा प्रॉफिट क्या होगा। तो ए टी सी बनाया हमने इस तरीके से। तो ये प्रॉफिट एलिमेंट दिखाई दे रहा है हमें। क्या क्लियर हो पा रहा है सब कुछ? बोलो हाँ या ना? नो? किसको डाउट है? तो वो एक क्वेश्चन भी आया था अभी जब बता रहे थे, तो वो उसमें प्रॉफिट लॉस वाला ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था, बोला था ऐसा कुछ ये अब खत्म होने वाला है, अब तो मत बोलो ऐसा कुछ। तो सर ऐसे ही मतलब डायग्राम बनाया था, मतलब इसमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। कौन से टेस्ट में था, वन में या टू में? आई गेस कल वाले में था। कल तो क्लास नहीं थी।
मिस बच्चे मिस करते हैं इकोनॉमिक्स की क्लास को, देखो मैं समझ सकता हूँ। हाँ तो कौन से टेस्ट में था, वन या टू? सेकंड वाले में, आज वन वाला डिस्कस कर रहे हैं। आपको टू वाला डिस्कस मैं अभी एंड में वो याद दिला दीजिएगा, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास मैं वो भी डिस्कस कर लूँगा। फिलहाल के लिए जितना मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया इतना समझ में आता है। अच्छा बच्चों, इसके अलावा ये मुझे बताइए, प्रिंसिपल नंबर वन पहले था क्या? प्रिंसिपल नंबर वन का क्या था? शटडाउन पॉइंट। इन तीनों में से कौन से केस में शटडाउन पॉइंट चेक करते हैं? लॉस के केस में। लॉस के केस में प्रिंसिपल नंबर वन चेक करा जाएगा, जबकि प्रिंसिपल टू तीनों में लगता है। क्या ये याद आ पा रही है सारी चीज़ें? तो इसी तरीके से लॉस का केस भी बनता था, इसी तरीके से प्रॉफिट का केस भी बनता था। यहाँ पे एक बच्चे का डाउट आया, अभी वो भी क्लियर कर लेंगे हम। इसके बाद बच्चों यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में इन द लॉन्ग रन क्या होगा बोलो? नॉर्मल प्रॉफिट ड्यू टू फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, इसकी वजह से नॉर्मल प्रॉफिट शो करेगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये लॉन्ग रन का डायग्राम बन गया, ये लॉन्ग रन का डायग्राम बन गया। अब इसके अंदर दोबारा से मेरे साथ साथ ऑब्जर्व करना है आपने, ये रहा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ARMR कर्व तो समझ में आ ही रहा होगा, इसके अंदर तो दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये रहा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, जहाँ पे LMC और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला लेवल ऑफ आउटपुट बन के आ गया। ये कौन सा प्रिंसिपल बता रहे? प्रिंसिपल नंबर टू। क्या यहाँ तक पहुँच गए सभी बच्चे? प्रिंसिपल नंबर टू बता रहे, इसको ऊपर लेकर गए, ये आउटपुट आ गया, ये प्राइस। ठीक है, अब LMC कर्व इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, इस पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि इस लेवल ऑफ आउटपुट का सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों? जहां पे LMC सबसे मिनिमम दिखाई दे रहा है आपको, LAC सबसे मिनिमम पे दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? LAC आपको मिनिमम पे दिखाई दे रहा है। जहां पे LAC मिनिमम पे होता है उसको क्या क्या नाम देते थे हम? फुल कैपेसिटी, ऑप्टिमम कैपेसिटी, और यहाँ से जवाब आया, अरे हाँ बोल, अरे नालायकों वाली बात है, बस फुल ऑप्टिमम, या फिर इसको एक और नाम था नॉर्मल कैपेसिटी। इक्विलिब्रियम थोड़ी ना बोलते थे, इक्विलिब्रियम तो इसको बोलते थे। अखिल बाबू बोलो, हाँ yes. इसे इक्विलिब्रियम बोलते थे, ये क्वांटिटी इक्विलिब्रियम की डिफाइन करती है, ये फुल कैपेसिटी की। तो ये बीच का गैप जो आ रहा है इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सेस कैपेसिटी। कहने का मतलब ये जो एक्सेस कैपेसिटी हमें दिखाई दे रहा है, इन दी लॉन्ग रन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर भी क्या होगा? एक्सेस कैपेसिटी। अच्छा, और कौन सी फॉर्म ऑफ मार्केट में एक्सेस कैपेसिटी था इन दी लॉन्ग रन? मोनोपोली के अंदर। क्या परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी एक्सेस कैपेसिटी था? नहीं था। क्या ये चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं? अभी जब हम ये डब्बा कंप्लीट करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाना चाहिए। फिलहाल के लिए ये सारे पॉइंट्स याद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, कोई डाउट्स? आइए आप मेरे को डब्बा कंप्लीट करने में फिर हेल्प करेंगे, पहले सुनेंगे और एक एक करके याद दिलाएंगे मुझे। सबसे पहला फीचर क्या है बच्चों? बायर्स एंड सेलर्स, आप ना अपने दिमाग में कंपैरिजन करने की कोशिश भी करिएगा बिटवीन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, मोनोपोली वर्सेज मोनोपोली परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे बताइए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर कैसे होते थे? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। लिखना नहीं है, सुनते चलो लिख सकते हैं, या फिर पहले सुन लीजिए, दो मिनट लगेंगे लिखने में। एक एक मेन काम तो हम लास्ट क्लास में कर ही चुके, डब्बा बनाने का, अब तो डब्बे में फिल ही करना। अच्छा मुझे बताइए, प्रोडक्ट परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कैसा था? होमोजीनियस। यहाँ पर कैसा था? नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। यहाँ पर कैसा है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये वर्डिंग समझ में आती है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब ना ही ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, ना ही ऐसी सिचुएशन है कि कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, बीच में कहीं पे लाई करता है। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, क्या यहाँ पे है? बिल्कुल। अच्छा, इसकी वजह से लॉन्ग रन में क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्या ये लिंकेज जा रहा है दिमाग में? ड्यू टू फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट लॉन्ग रन में हमेशा क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, एक्सेस कैपेसिटी, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो फुल कैपेसिटी पे था, यहाँ पे लेस देन फुल कैपेसिटी यानी कि एक्सेस कैपेसिटी था, यहाँ पे भी एक्सेस कैपेसिटी होगा यानी कि लेस देन फुल कैपेसिटी।
ठीक है ना। अब इसको ऊपर वापस चलते हैं, मार्केट शेयर। मार्केट शेयर यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में तो कुछ भी इनसिग्निफिकेंट था, मोनोपोली में पूरा पावर आपके पास था, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर टू सम एक्सटेंट। जैसे अब पतंजलि का एग्जांपल दिमाग में रखिए, पतंजलि ने पूरे मार्केट के अंदर कुछ एक सर्टन परसेंटेज ऑफ मार्केट तो कैप्चर कर रखी है ना। हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इसने कुछ ना कुछ मार्केट तो कैप्चर कर रखी है ना। डाबर जो है, इसने कुछ ना कुछ मार्केट तो कैप्चर कर रखी है ना। तो इनके पास टू सम एक्सटेंट मार्केट होती है। रीज़न क्या है? ब्रांड नेम, फीचर्स। जैसे आज के टाइम पे भी आप पुराने वो रूरल एरियाज़ में जाएंगे, वहाँ पे आज के टाइम पे भी वो पतंजलि, डाबर, इन सब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का जहाँ पे नाम आ जाते हैं उनको यूज़ करना प्रेफर करते हैं। क्या पॉइंट समझ पा रहे हैं? टू सम एक्सटेंट मार्केट शेयर होता है इनके पास, ठीक है ना। ये कैसे होते हैं, फॉर्म कैसे होते हैं, प्राइस टेकर या प्राइस मेकर, इनका टू सम एक्सटेंट प्राइस पे कंट्रोल होता है। इनकी इलास्टिसिटी कैसी होती है, डिमांड कर्व कैसा होता है, ना परफेक्टली इलास्टिक ना लेस इलास्टिक, ये होता है मोर इलास्टिक। रहता डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है, रहता डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है, बट क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन वन। क्या है, समझ में आई बात, या रिपीट करूँ इसके अंदर कुछ? क्लियर है यहाँ तक हम? नेक्स्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात वैसे करते नहीं है, एक बारी मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की कोई बात लिखा हुआ है। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, यहाँ पे तो लिखा नहीं है भाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वैसे होता नहीं है, टू सम एक्सटेंट कर सकते हैं बट यूजुअली होता नहीं है। अच्छा, और आखिरी पॉइंट, MR इज लेस देन AR। तो क्या ये डब्बा भी समझ में आया आप सबको? तो जो चीज़ हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट करनी थी वो अब कंप्लीट हुई है। अब आप इस डब्बे को कंप्लीट करें। पहले लास्ट क्लास के अंदर हमने इसको डब्बे बनाया था ना कहीं पे, ढूंढो डब्बा कहाँ बनाया। नोट्स भी नहीं रखे हुए हैं आपने, तो नोट्स में भी नहीं लिखा कुछ। बढ़िया है, बढ़िया है, इंजॉय करो। लिखो अब इसको, तो लिखो। ये डब्बा नहीं बनाया पिछली बारी आपने? शाबाश, वेरी गुड। बैकअप भी नहीं देखा आपने? आपका घर वालों का तो नंबर है मेरे पास, मैं बात करता हूँ आज। फिर कहाँ करूँ बताओ? इसके नाम कुछ भी करूँ, कोई भी पनिशमेंट नहीं। बच्चे थोड़ी हैं आपके, कुर्सी पे खड़ा करवाऊंगा। बताइए कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। चलो इसको कॉपी करें। शौम्या कर लिया, ये मोबाइल क्यों चल रहा है फिर? क्या देख रहे थे हमें भी बता दो।
हो गया सबका कॉपी कर रहे हैं? ऑनलाइन वाले बच्चों हो गया आपका कॉपी? लक्षिता गोयल क्लास ट्वेल्थ ई बता दो, ज्योति का आया है यस। और बाकी बच्चों का नहीं हुआ किसी का भी? चलो कर लीजिए जल्दी, फिर मैं वेट करता हूँ। क्या हो गया श्रुति, नींद आ रही है आपको? आज तो क्लास में भी आप लेट आए हैं। तो उनको, आपको पता नहीं लगा जब वो टर्न ले रहे थे, मतलब वहाँ पे भी रिक्शा पे बैठते ही सो गए थे ये ये बात हुई होगी, रिक्शा पे बैठे नींद आ गई बस सो गए, कह रहे अब जहाँ पे वही इंस्टीट्यूट है छोड़ दो। पूछ रहे मैडम कहाँ जाना है, लेफ्ट जाना है राइट जाना है कौन सा सेक्टर, कह रहे बस 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 नीचे, ऐसे हुआ कैसी बच्चों वाली बात है, कह रहे कहाँ छोड़ दी, रिक्शा पे बैठते ही सो गए ये, बताइए। ऐसा तो नहीं होगा पेपर में, पेपर देने गए वहीं पे जैसे ही पेपर मिला सो गए। हुआ नहीं अभी तक कॉपी, अब तो हो जाना चाहिए, ये तो आखिरी कॉलम ही तो बनाना था। हो गया नहीं हो गया अखिल आपका कॉपी? बताइए आखिरी कॉलम बनाने में इतना टाइम, ये तो पिछली सारा बना रहे हैं। चलो शाबाश, बना लीजिए अब। हो गया अक्षत? करो जल्दी जल्दी टेपा मारो भाई, बताइए। हो गया, चलो अगले पे बढ़ते हैं बच्चों। ओलिगोपॉली लास्ट मेजर फॉर्म ऑफ मार्केट। ओलिगोपॉली का एग्जांपल क्या रख सकते हैं दिमाग के अंदर? टेलीकॉम इंडस्ट्री, या फिर एक और इंडस्ट्री कौन सी? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अच्छा ऊपर का आपने कॉपी वॉपी करना है कुछ इसका? ये वाला हिस्सा भी कॉपी करना है कुछ? कर लीजिए, ऐसा करिए, दो मिनट लगेंगे। यहाँ का तो कुछ नहीं रह गया था, ये वाला तो कॉपी कर लिया था ना अपने साथ साथ ने, इसको टेप लो जल्दी से, पीछे ये भी रह गया, इसको जल्दी से टेपा मारो। इसका नीचे का भी लिख लो लॉन्ग रन का।
चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ओलिगोपॉली के अंदर आप अपने दिमाग में एग्जांपल रख सकते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। इसे हम कंपटीशन अमंग द फ्यू भी बोलते हैं। तो इनका नाम याद करिएगा महाशय का, प्रोफेसर स्टिगलर डिफाइंस ओलिगोपॉली एज अ सिचुएशन इन विच अ फर्म बेसिस इट्स मार्केट पॉलिसी इन पार्ट ऑन द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ अ फ्यू राइवल्स। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कॉम्पिटिशन अमंग द फ्यू, कॉम्पिटिशन अमंग द फ्यू, ठीक है ना। इसके अंदर अलग अलग टाइप्स ऑफ ओलिगोपॉली होती हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ ओलिगोपॉली होती है। प्योर ओलिगोपॉली वो होती है जहाँ पे, प्योर या परफेक्ट ओलिगोपॉली वो होती है, इसका एक और नाम है, जहाँ पे हम होमोजीनियस प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे होते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट, इसी का एक और नाम भी होता है जो यहाँ पे लिखा नहीं है, उसे बोलते हैं डिफरेंशिएटेड, लिखिए साथ साथ में, डिफरेंशिएटेड और इम्परफेक्ट ओलिगोपॉली। ये कौन सी ओलिगोपॉली हो गई जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है। समझ में आ पा रही है ये बात? यहां पे सेम टू सेम प्रोडक्ट, यहां पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, थोड़ा सा डिफरेंस आया था। ओपन ओलिगोपॉली का मतलब एनीवन कैन एंटर द मार्केट, एनीवन कैन एंटर। क्लोज्ड ओलिगोपॉली का मतलब एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। कॉल्यूजिव ओलिगोपॉली मतलब आपस में कल्यूजन कर लिया है, मिलीभगत है, इसको ऐसा समझ लीजिए, एक्ट ऑफ कल्यूजन, फॉर्म्स कम टुगेदर, आपस में एग्रीमेंट कर लिया। जैसे बच्चों ने मान लीजिए टेस्ट रखा, सभी बच्चों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया, कोई टेस्ट देने नहीं आएगा, उसे कल्यूजन बोलते हैं। एक कॉम्पिटिटिव होता है, एक बच्चा बोलेगा कि तू जा ना जा भाई, अल्टीमेटली पास तो मुझे ही होना है, तो बाकी सभी बच्चे आपस में कॉम्पिटिशन रख रहे हैं कि भाई नहीं टेस्ट देने जाओ, तो कॉम्पिटिटिव ओलिगोपॉली। पार्शियल ओलिगोपॉली, फुल ओलिगोपॉली। पार्शियल ओलिगोपॉली के अंदर कीवर्ड्स क्या हैं? वन लार्ज फर्म डोमिनेट्स, जैसे कुछ टाइम तक जियो ने डोमिनेट किया था टेलीकॉम इंडस्ट्री को, और फुल ओलिगोपॉली के अंदर, फुल ओलिगोपॉली के अंदर एब्सेंस ऑफ लीडरशिप। ये कीवर्ड्स लिखवा रहा हूं सारे मैं आपकी बुक से देख देख के ना, ऐसा कोई लीडरशिप की एब्सेंस जब होती है भाई, क्लियर कट लीडर नहीं दिखाई दे रहा। सिंडिकेटेड और ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपॉली काफी मिलता जुलता होता है, इसके अंदर आप एक एग्जांपल ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपॉली का ओपेक, ओपेक इसका फुल फॉर्म क्या है, कार्टेल है ना, ये कार्टेल, ओपेक एक कार्टेल है, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, ऐसे कार्टेल करके ऐसा कुछ नाम है, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक कार्टेल बना हुआ है ये ऑयल का, अगर आपको आइडिया है या नहीं, कंट्रीज़ में बना हुआ है ना, सऊदी अरब, इराक, ईरान, ये सभी मिलके ऑयल का आउटपुट कोटा रखा हुआ है, कितना ही बनाएंगे। तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ ओलिगोपॉली हो जाता है ये, जो सिंपल लैंग्वेज में आपको ये कीवर्ड्स के साथ याद रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपॉली मार्केट, स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस। जैसे बच्चों दिमाग में टेलीकॉम इंडस्ट्री का एग्जाम्पल रखिए, टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्या हुआ था, जैसे जियो ने एंट्री करी थी तो जियो की स्ट्रैटेजी देख के बाकी सारी कंपनियों ने भी अपनी स्ट्रैटेजी बदली। देखने में ऐसा लग रहा था कि आपस में सभी मिलीभगत कर रहे हैं, मतलब जब प्राइस गिरने शुरू हुए तो सबके इकट्ठे गिरे, अब जब बढ़ने शुरू हो रहे तो सबके इकट्ठे बढ़ रहे, एक तरीके से आपने देखा ट्रेंड। तो आपस, स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं ये ग्रुप बिहेवियर, देखने में ऐसा लगता है कि एक एज अ ग्रुप एक्ट कर रहे हैं।
बट ऐसा होता नहीं है इंटरनली। अगर इंटरनली ऐसा होता था कि ग्रुप बिहेवियर है तो कोल्यूजन बन जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट, दैट इज इट विल लीड, दैट इज यहां पे प्राइस कंपटीशन नहीं होता है, अदरवाइज इट विल लीड टू प्राइस वॉर। ऐसा ही वर्डिंग हमने और कहां पढ़ा था, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। ये एडवर्टीजमेंट पे बहुत पैसा खर्चते हैं, जैसे कि वोडाफोन का डॉगी याद करिए, हच के अंदर डॉगी आता था ना, एक एयरटेल के अंदर एक लड़की आती थी जो कहती थी ना बड़ा तेज है इंटरनेट ये वो, है ना, याद आ रहा है? हाँ याद आ रही है। आइडिया का अभिषेक बच्चन, वॉक एंड टॉक, याद आ रहा नहीं है? बहुत पुराना, हाँ पुरानी है, वही लड़की आती है हर बारी। हाँ अच्छा, हो सकता मतलब है फाइव जी का भी वही ऐड लाइक थी, 4G का भी, 3G का। बढ़िया, अब 6G आएगा तब भी वही। हाँ चांसेस हैं, बट तब तक बुरी ना हो जाए ना इंडिया में आते आते। ऐसे रिजल्ट्स पे क्या होते हैं, चलो देखते हैं। एनीवेज, प्राइस एंड आउटपुट डिसीजंस इन एन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट, व्हेन एन ओलिगोपोलिस्टिक फर्म चेंजेस इट्स प्राइसेस, इट्स राइवल फर्म will retaliate or react and change their prices, which in turns would affect the demand of the former market firm. Therefore, main keywords kya hain? An oligopolistic firm cannot have sure and determinate market demand curve, since the demand curve keeps on shifting as rivals change their prices in reaction to changes in reaction to the price changes made by it. Ye wala statement kya bolta hai ki demand curve iske andar not defined hai. सौम्या, डिमांड कर्व इसके अंदर नॉट डिफाइंड है। ऐसा आपको पहले जब आपने पढ़ा होगा ना स्कूल के अंदर, तब भी आपको ये बोला गया होगा कि ओलिगोपोलिस्टिक के अंदर डिमांड कर्व इज नॉट डिफाइंड। बट इसके ना और भी मॉडल्स हैं, ओलिगोपोली का डिमांड कर्व इज नॉट डिफाइंड एक मॉडल ऐसा बोलता है, यूजुअली ये ओपिनियन फॉलो करते हैं, बट एक मॉडल आपके सिलेबस में डाला गया। अच्छा, ग्रुप लीडरशिप, कार्टल वार्टल तो हमने हल्का सा किया, किंक्ड डिमांड कर्व, ये वाला आपका एग्जाम में आने के चांस बन सकता है। इन द सेंस कि ओलिगोपोली के अंदर एक डिमांड कर्व डिफिनेशन, मतलब एक मॉडल आपके सिलेबस में डाला गया, इसे बोलते हैं किंक्ड डिमांड कर्व। और इस किसने इनको इंट्रोड्यूस किया था, उनका नाम क्या था, स्विजीज मॉडल, स्विजीज, स्विजी, स्विजीज मॉडल। अरे स्विजीज मॉडल, इनका नाम क्या था भाई साहब का, पॉल ए स्विजी, पॉल, अरे तो इन्होंने एक किंक्ड डिमांड कर्व का मॉडल निकाला था, इसे प्राइस रिजिडिटी भी बोल सकते हैं। इस पॉइंट पे प्राइस रिजिडिटी होती है, इसके ऊपर मोर इलास्टिक डिमांड, और इसके नीचे लेस इलास्टिक डिमांड। अभी मैं इसको ऑब्वियसली बात इतना डिटेल में नहीं लेके जा रहा, जितना क्लासेस में हमने डिस्कस किया था, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। फिलहाल के लिए किंक समझ लीजिए कि आपका यहाँ तक मोर इलास्टिक, यहाँ के बाद लेस इलास्टिक, तो इसी वजह से एक एंगल का शिफ्ट आ जाता है, स्लोप का चेंज आ जाता है, ठीक है ना। तो कीवर्ड्स आपको जो जो मैंने लिखवाए हैं याद रखने। इसके अलावा कुछ अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट भी हैं फिर तो, ये बिजनेस साइकिल तो हम पहले ही रिवाइज कर चुके हैं। डुओपोली, ये वन वन मार्कर्स हैं, वन वन लाइनर्स हैं, इन द सेंस कि आपको ये वाले ना इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आने के इसके चांसेस भी कम है, बट इसको आप रीड करके जाएं। डुओपोली का मतलब क्या है, डुओपोली का मतलब क्या है, इट इज़ अ सबसेट ऑफ ओलिगोपोली, यानी कि इट इज अ फॉर्म ऑफ ओलिगोपोली ओनली। यहाँ पे कितनी फॉर्म्स होती हैं, दो फॉर्म्स। हाँ बोलिए, क्या डाउट है, क्लियर है? फिर आता है मोनोपसोनी, मोनोपसोनी का मतलब सिंगल बायर है, मोनोपोली का मतलब क्या था, सिंगल सेलर, मोनोपसोनी का मतलब सिंगल बायर, ओलिगोपसोनी स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर्स, जैसे ओलिगोपोली का मतलब क्या था,
कॉम्पिटिशन अमंग दी फ्यू सेलर्स, जो फ्यू सेलर्स होते थे वो बड़े बड़े सेलर्स होते थे, वैसे ओलिगोपसोनिक का मतलब नंबर ऑफ बायर्स छोटे हैं, बट ये बायर्स जो है वो बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे बायर्स हैं। समझ पा रहे हैं ये चीज़, या इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ? बायलैटरल मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ सिंगल बायर और सिंगल सेलर, एक बेचने वाला एक खरीदने वाला। इट इज ऑल्सो नोन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली मार्केट एंड मोनोपसोनी मार्केट। समझ में आप आ रही है? कोई डाउट्स इसके अंदर क्लियर है ये चीज? और इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा रिवीजन कंप्लीट होता है, इकोनॉमिक्स का 60 मार्कर। ऑनलाइन वाले बच्चों फटाफट से कंफर्म करें क्या ये क्लियर है,